आज हम बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट डेटा सीट की, जो पूर्णतः स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है। इसमें आपको क्या मिलता है, आप इसमें स्टूडेंट का एडमिशन ले पाएंगे। एडमिशन लेने के बाद आप उसका फीस डिपॉजिट करेंगे और फीस भी क्लास वाइज ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा टोटल फीस क्लास की कितनी है, स्टूडेंट की क्लास वाइज स्टूडेंट की फीस कितनी है, उसका कौन कौन सा फीस डिपॉजिट हो गया है, कितना उसका शेष आ रहा है और टोटल ओवरऑल स्टूडेंट का टोटल अभी तक हमारे पास कितना जमा हुआ है, इस प्रकार पूरा डिटेल आप निकाल पाएंगे। साथ ही साथ जो स्लिप आप बना करके देंगे वो सब स्लिप आपके पास स्टोर होते जाएंगे, यानी इन फ्यूचर आपको किसी स्टूडेंट की फीस स्लिप की आवश्यकता है तो वो आप बखूबी सर्च कर पाएंगे उसके रिसिप्ट नंबर के आधार पर या स्टूडेंट के नाम के आधार पर। इसके साथ ही स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा, यानी पूर्णतः ये डेटा शीट ऑटोमेटिक है। अब इस डेटा शीट को पाने के लिए आपको क्या करना है, तो यदि इस डेटा शीट को आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे स्कूल मैनेजमेंट डेटा शीट को आप फ्री यूज कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक कर डाउनलोड करें और इसको कैसे यूज करना है इसका वीडियो हमने पूरा बनाया है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार के और भी जो वीडियो मिलते हैं हमारे आते हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी छूटे ना। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये स्कूल डेटा सीट काम करना था, और वो था प्ले स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ पर आज जो हम बात कर रहे हैं वो सभी स्कूल के लिए है, क्योंकि प्ले स्कूल जो पहले वाला बनाया था उसमें सिर्फ प्ले स्कूल के लिए ही ऑप्शन था। यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना हम सभी स्कूल के लिए इस प्रकार का डेटा शीट तैयार करें और उसी कंसेप्ट पर ये आधारित है। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम इस डेटा शीट में क्या क्या इंक्लूड किया है उसके बारे में बताने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसके अंतर्गत इसको किस प्रकार से डिजाइन किया है, क्या कंसेप्ट है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल ऐसे स्कूल जो इस डेटा शीट का यूज़ करना चाहते हैं वो आसानी से बखूबी इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है और उसका कैसे यूज़ करना है, आइए हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर तीन बटन रखे हैं। पहला बटन है एडमिशन का, दूसरा बटन है फीस स्लिप का और तीसरा है रिपोर्ट का। अभी फिलहाल रिपोर्ट के में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप जितने भी रिसिप्ट बनाएंगे उसका टोटल यहाँ पर मिल जाएगा आपको और वो रिपोर्ट यहाँ पर ये दिखा देगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन की। आपके पास कोई एडमिशन आता है तो उसका एडमिशन कैसे लेंगे, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालिए। यहाँ पर डालना होगा आपको एडमिशन डेट, माना कि 15/4/2021 को हम कोई एडमिशन लेते हैं। बच्चे का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, जैसे मैं डाल देता हूँ जानवी प्रकाशिका परमार, ये मैंने डाला। फादर नेम मैं डाल देता हूँ श्री परमार। माता का नाम लक्ष्मी परमार। क्लास, किस क्लास के लिए एडमिशन आप करवा रहे हैं, सभी क्लासेस यहाँ पर आ जाएगी, जितनी भी क्लासेस हैं। जैसे हम प्री नर्सरी के लिए यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं तो वो हमें यहाँ डालना होगा। फिर पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर डालिए, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। माता के कॉन्टैक्ट नंबर, मदर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर 01 देना होगा, क्योंकि मैंडेट फील्ड है। ठीक है, अभी हम सिर्फ डमी नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं। गार्जियन है तो उनका डिटेल आप डालें, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भी मैंडेट है। यदि नहीं है तो नो डालना है आपको, सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर डालिए और देन आपको सेव को क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव को क्लिक करेंगे
ये रिकॉर्ड यहाँ से सबमिट हो जाएगा। सबमिट होकर के कहाँ जाएगा, तो ये आपकी डेटाबेस में ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर इस स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डेटाबेस यहाँ पर जनरेट होगा, ये आपके डेट ऑफ एडमिशन के आधार पर इसका इनरोलमेंट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। चलिए एक और हम बेसिक से सेटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जो डेटा है इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं, 15/4 का एडमिशन है, तो 15/4/2021 आपको अब नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं आपको एडमिशन लेके बता दूंगा। यहाँ पर हमने कुछ करेक्शन इसमें किया था, उस कारण से इसका डेट फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हो गया था। चलिए तो हाँ, फर्स्टली आपने एडमिशन दे दिया। एडमिशन देने के बाद आपको क्या करना है कि पेरेंट्स ने बोला कि फीस आप इसकी जमा कर लीजिए, तो आप फीस स्लिप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बच्चे का एडमिशन इनरोलमेंट नंबर जो जनरेट हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए कि उसका इनरोलमेंट नंबर क्या आया है। इसका इनरोलमेंट नंबर आया है 2, या फिर आपको यहाँ पर हमने सर्च का ऑप्शन दिया है, एनरोलमेंट सर्च। इसमें आपको पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालने होंगे। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर ये एनरोलमेंट नंबर वाया मोबाइल के आधार पर या कॉन्टैक्ट के आधार पर सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि है, और यदि आपने डेटाबेस में देख लिया है, तो आप वहाँ से नंबर डालिए 2। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रकाशिका परमार, फादर श्री परमार, क्लास प्री नर्सरी के लिए एडमिशन हुआ है, क्लास की फीस कितना है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसमें कौन सी फीस जमा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हम रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए माना कि हमारी फीस स्कूल की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये। वो जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो यहाँ पर ड्यू फीस अभी 8500 पूरा दिखा रहा है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस में आप देख पा रहे हैं कि 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ टोटल फीस अभी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने डाला है, जैसे ही आप सेव को क्लिक करेंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये आ गया, टोटल डिपॉजिट जो किया है वो 500 यहाँ पर दिखा दिया है। साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है ₹500 ओनली, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहें तो डिपॉजिट और इसका कॉलम भी हम थोड़ा सा कलर चेंजेस करके दे देते हैं, ताकि हाईलाइट हो जाए और पता चल जाए कि ये फीस है। और इसके आउट में हम यहाँ पर आउट बॉर्डर लगा, आउट लाइन लगा देते हैं, जिसे हम बॉर्डर कहेंगे। और डेटा अलाइनमेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है, और चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं। चलिए ये आ गया। इसके साथ ही जैसे 500 डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पर बता रहा है 500 ओनली कितने पैसे हैं, तो ये पैसे शब्द गलत यूज़ किया गया है, हम इसको चेंजेस कर देंगे, यानी तो 500 ओनली यहाँ पर आ गया है। और यहाँ कॉलम हमने बनाया है डायरेक्टर प्रिंसिपल के सिग्नेचर का। अब आपको क्या करना है कि इस स्लिप को प्रिंट को स्टूडेंट को या पेरेंट्स को प्रिंट करके देना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर जो स्लिप नंबर है, देखिए 101 आ रहा है, जैसे ही आप प्रिंट को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्लिप आपकी सेव भी हो जाएगी और प्रिंट पर चली जाएगी। ये कमांड हमारे प्रिंटर का है, तो हमारे प्रिंटर पर ये प्रिंट जा चुकी है। दूसरा, आप जब ऑल प्रिंट रिसिप्ट में जाके देखेंगे, तो यहाँ पर ये जाह्नवी प्रकाशिका की पूरी स्लिप आ गई है। इसके पहले स्टूडेंट का जो स्लिप नंबर था वो 100 था, अब इस स्टूडेंट का 102 है, शायद हमने इसमें 1+ कर दिया था। अब नेक्स्ट का जनरेट इसी प्रकार से होता जाएगा। साथ ही साथ एक और क्या है मिल रहा है आपको इसमें, कि जितने भी फीस आपके पास अभी तक आई है वो यहाँ पर टोटल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये आया, इसके बाद इन्होंने जमा करवाई आपको एडमिशन फीस, तो एडमिशन फीस कितनी है, माना कि आपके यहाँ की एडमिशन फीस है 2000 रुपये, ठीक है। अब जैसे ही आप 2000 को यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, देन आप सेव को क्लिक करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये 2000 ओनली आ गया है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि यहाँ पर 500 और 2000 यहाँ एडमिशन फीस में ऐड हो गए, टोटल 2500 रुपये यहाँ पे आ गए, ड्यू फीस 6000 बता रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अब आपको प्रिंट को क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट को क्लिक करेंगे, ऑल रिसिप्ट बाय द वे आपको देखना है, तो आपके पास टोटल पेमेंट आ गया 6000 रुपये, यानी कि जितनी भी फीस आपकी कटती जाएगी टोटल आपके पास आता जाएगा। साथ ही साथ इसका रिसिप्ट नंबर देखेंगे 102 है, इसका रिसिप्ट नंबर 103 है, तो इस प्रकार ऑटोमेटिक ही आप मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक ऑप्शन हमने दिया, ये तो बात हुई हमारी फीस स्लिप की,
ये बात हुई हमारी डेटाबेस की। इन फ्यूचर आपको किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो बक को भी आप रिकॉर्ड देख पाएंगे, टोटल फीस कितनी है वो आप देख पाएंगे। ड्यू फीस हमने यहीं से निकाल दी, सारे फंक्शन फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन और फार्मूले लगे हुए हैं जो डिलीट होने पर आपका जो टोटल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यदि आपको कहीं कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये है आपका क्लास पैरामीटर, जिसमें आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की फ़ी डालनी है और उस क्लास को सिलेक्ट करने पर ऑटोमेटिक फ़ी आपकी आ जाएगी। जैसे नर्सरी की फ़ीस आपकी 9000 है, आपकी जो भी क्लास की फ़ीस है उसको आपको यहाँ पर सबमिट करिए। आप देखेंगे कि यदि आपने यहाँ पर किसी न्यू स्टूडेंट को एडमिशन दिया, बाय द वे हम एडमिशन में चले जाते हैं और एक और एडमिशन हम कर देते हैं 16/4/2021 में, बच्चे का नाम जो भी है आरजे हैं, पिताजी का नाम जेके हैं, जो भी नाम है वो आप पूरा एंटर करेंगे यहाँ पर, और उसकी क्लास हम ले लेते हैं। अब एलकेजी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, पिताजी का कांटेक्ट नंबर वो डालना ही है कंपलसरी है, माताजी का नंबर डालना है कंपलसरी है, गार्जियन में यस और नो जो भी है, आप पिता गार्जियन का नाम आप डाल सकते हैं, एड्रेस कंपलसरी है वो आपको डाल करके सेव करना है। ठीक है, यहाँ से डेटा हो गया सेव। अब आपको फीस स्लिप में जाना है, यहाँ पर फीस स्लिप बनानी है, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं आया है, देख लेते हैं कारण क्या रहा। हाँ, इसका डेटा जो यहाँ स्लिप में बैठा हुआ डेट है वो डेट का टाइप आई थिंक मुझे लगता है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अब नहीं होगा लेकिन ऐसा, हम इसको चेंज करके कर देते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट हो गया है, और यहाँ जो एडमिशन से डेट आएगा उसको भी हम कर देते हैं, वो ऑलरेडी टेक्स्ट ही है। एनीवे जो भी कारण रहा उसका, अब ये समस्या हमें लगता कि अब आएगी, फिर भी आपको हम उसी फॉर्मेट में इसको दे देंगे। हम डाल देते हैं 16/4/2021। ठीक है, तो यहाँ एनरोलमेंट नंबर आ गया है, और एनरोलमेंट नंबर जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी फीस यहाँ पे आ गई। क्लास फीस आ रही है 9500, ड्यू फीस पूरी 9500 है, एडमिशन फीस यदि ये जमा करवा, ध्यान रखिएगा कि इसी शेड्यूल के हिसाब से आपको फीस जमा करना है, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जीरो करके एंट्री करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा कह दें कि पेचीदा है, यदि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है तो जीरो करके आप सेव कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर फीस, एडमिशन फीस आपको लेना है, और जो भी आपकी फीस होगी वो आप डालिए, देन आप इसको सेव करिए। ये देखिए जीरो करके एंट्री से क्या होगा कि वहाँ पर जीरो पहुँच जाएगा और ये फीस ऑटोमेटिक एडमिशन में आ जाएगा, नहीं तो ये फीस आपकी रजिस्ट्रेशन में बताएगा, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देन प्रिंट करेंगे, अब आपके पास टोटल फीस कितना हो गया है वो आप देखेंगे, तो 11000 यहाँ पर हो गया है। लास्ट का स्लिप देखेंगे तो ये 5000 का यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है कि क्लास वाइज फीस मेंटेन कर सकते हो। इस शीट में आपको अपनी स्कूल की क्लास की फीस देना है जो आप इसमें डाल पाएंगे, जो भी आप क्लास की फीस डालेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाटा सीट यदि डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और यहाँ से आप इसको बखूबी डाउनलोड कर सकते हैं।